हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपना अध्याय 11 जो कि था हमारा ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, इसको हमने टोटल 4 पार्ट की वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आज की इस क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो हमारा अगला अध्याय आता है अध्याय 12, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो बिल्कुल बच्चों, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक होने वाला है सर, उसका नाम है अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, और ये होने वाला है भाग 1। जी बच्चों, भाग 1 में मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दूंगा जो कि पूरा वृत्त से संबंधित होगा, और साथ ही साथ हम इसी क्लास में 1 नंबर वाले प्रश्नों पर भी बात करने वाले। इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। उन तीनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन 4 अंकों के लिए या फिर 5 अंकों के लिए पूछे जाने के चांसेस बनेंगे। तो हम पूरे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, एग्जाम को फोकस में ध्यान पर रखकर हम पढ़ने वाले हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं सेकंड क्लास में, बिल्कुल। तो ये टोटल इस अध्याय के टोटल आपको 2 पार्ट के वीडियो में देने वाला हूं, दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल उसको नोट डाउन करते हुए चलने लगो। तो बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दूंगा जो आगे के आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। देख लीजिए, यहां पर आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, कुछ डेफिनेशन वगैरह दिख रहे होंगे जो कि पूरा का पूरा वृत्त से संबंधित है, और यहां पर मैंने एक खाली स्लाइड लिया हुआ। देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एक परिभाषा को पढ़ते हुए चलेंगे और उसको मैं इस स्लाइड पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, बिल्कुल। देख लो, तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखो वृत्त के बारे में दिया गया। किसके बारे में बच्चों? वृत्त के बारे में दिया गया। वृत्त आप सभी लोग जानते हो, लेकिन हम वृत्त को परिभाषित कैसे करेंगे? यहां पर आप इसको नोट्स के रूप में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको ये बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स के रूप में मिलने वाले। चलो चलिए एक एक चीज को पढ़ते हैं। अब ये सर वृत्त क्या चीज है, अब वृत्त के बारे में मैं आपको पढ़कर बताता हूं पहले, फिर बाद में इसको न्यू स्लाइड में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, कुछ भी नहीं है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या बोला गया है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का पथ जो है वो क्या कहलाता है बच्चों? वृत्त कहलाता है। चलो अब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो, पहले मैं आप इसको रफली बताता हूं, रफली देखो यहां पर। चलो मैंने मान लिया कि ये है हमारा निश्चित बिंदु। क्या बच्चों? निश्चित बिंदु है। अब मैं मान लेता हूं कि 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं क्या ले रहा हूं, बहुत सारे बिंदु ले रहा हूं। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर लिया, फिर यहां से मैं 3 सेंटीमीटर की दूरी यहां पर लिया, फिर मैं बहुत सारे बिंदु ले रहा हूं, और इन सभी बिंदुओं की जो दूरी है वो इस निश्चित बिंदु से एक समान है, मतलब कि 3-3 सेंटीमीटर है। तब आपको देखो ये बहुत सारे असंख्य बिंदु मिले हैं। अब इन बिंदुओं का देखो, मैं बिंदु पद बनाने जा रहा हूं। देखो ये बिंदु पद, तो इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है ये बच्चों हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है वृत्त। क्या कहलाता है बच्चों? ये वृत्त कहलाता है। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सर वृत्त क्या है, हमने वृत्त को समझ लिया। अब देखो, हमने इसको रफली बनाया है, अब मैं इसको फेयर करके आपको वृत्त बनाकर दिखाता हूं। देख लो, बिल्कुल आप भी अपने डिवाइडर से ये बनाते हुए चलेंगे ना। देखो, आ जाओ सर, अब हम वृत्त कैसे बनाएंगे? देखो यहां पर मैंने बड़ा सा बनाया वृत्त, देखो बड़ा सा मैंने वृत्त बनाया। अब वो जो निश्चित बिंदु के बारे में बात हो रही थी, मान लेते हैं कि वो ये है, ठीक है? अब इस निश्चित बिंदु से यहां पर बहुत सारे असंख्य बिंदुओं लिए गए हैं और जिनकी दूरी सभी जगह क्या है बच्चों? समान है बिल्कुल। चलो वापस आओ, यहां पर आओ। सर हमने वृत्त को तो समझ लिया, अब दूसरा पॉइंट दिया गया यहां पर वृत्त का केंद्र। अब ये वृत्त का केंद्र क्या होता है? चलो अब इसको समझते हैं। यहां पर लिखा गया है यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु के बारे में ऊपर में वृत्त में जिक्र किया गया था ना कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, और उस निश्चित बिंदु को नाम दिया गया वृत्त का केंद्र। क्या बोला गया बच्चों? वृत्त का केंद्र बोला गया है। ये है हमारा निश्चित बिंदु जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और केंद्र को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओ से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा केंद्र। देख लो,
क्या हो गया, ये हो चुका बच्चों हमारा केंद्र। बिल्कुल सबने केंद्र को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चलो केंद्र को तो समझ लिया कि उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों, केंद्र कहते हैं। बिल्कुल वापस आओ। फिर दिया गया यहां पर वृत्त की परिधि। अब सर ये वृत्त की परिधि क्या चीज होती है, देखो तो यहां पर मस्त से खूबसूरत सा एक लाइन में डेफिनेशन इसका दिया गया है कि वृत्त और दीर्घवृत्त के बाहरी घेरे और घेरे की लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। यहां पर देखो ये निश्चित बिंदु है, ये निश्चित बिंदु इसके बाहरी और बाहरी आवरण जो आपको दिख रहा है ना, इसी आवरण को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त की परिधि कहते हैं। ये जो आपको बाहरी घेरा दिख रहा है, घेरे की लंबाई दिख रही है, ये हमारा सर कहलाता है वृत्त की परिधि। बिल्कुल, तो हम यहां पर इसको लिख देते हैं वृत्त की परिधि। चलो ये हो गया परिधि, ठीक है बच्चों। ये हमने परिधि को भी सर अच्छे से समझ लिया कि वृत्त या फिर दीर्घवृत्त के बाहरी जो घेरे होते हैं उससे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। वापस आओ यहां पर। अब देखो, अब समझते हैं कि सर ये वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। चलो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, देखो तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चलो वापस आओ चित्र पर। तो क्या बोला गया था कि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यह है हमारा वृत्त का केंद्र। अब मैं कहीं पर भी ले लेता हूं। चलो मैंने मान लिया कि मैंने यहां पर लिया, यहां पर मैंने परिधि पर एक बिंदु लिया है, तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से मतलब यहां से और इस बिंदु जो मैंने यहां पर लिया हुआ है, किसी भी बिंदु, किसी कोई जगह भी बिंदु ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो दूरी होती है ये सर हमारा कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है बच्चों, त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या सभी जगह एक समान होती है। किसी भी वृत्त में त्रिज्या जो होती है वो एक समान ही होती है। अगर यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर बच्चों, तो यहां से लेकर, चलो मैं यहां पर एक और बिंदु लिया, ठीक है, मैंने यहां पर एक और बिंदु लिया, तो इस वाले केंद्र से अब यहां पर जो मैंने बिंदु लिया हुआ है यहां तक की भी दूरी एक समान ही होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी। एक समान होती है त्रिज्या किसी भी वृत्त के लिए। 3 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक जगह त्रिज्या जो हो 3 सेंटीमीटर ही आने वाली है उस पर्टिकुलर वृत्त के लिए, सर्कल के। बिल्कुल सर, हमें त्रिज्या को भी समझ लिया। आ जाओ आ जाओ। तो त्रिज्या से संबंधित यहां पर एक लाइन और दिया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लो क्या बोला गया, आ जाओ देखो। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अब सर ये व्यास क्या होती है इसको हम आगे समझेंगे। अभी आपको यहां पर याद रखना है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। इसी को हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटा दो, या फिर आर बराबर, आर बराबर ये हो जाता है डी अपॉन टू। सर ये डी क्या है, तो बच्चों याद रखना कि व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर का पहला जो लेटर आपका आता है डी, तो डी यहां पर आया हुआ है। तो आर इज इक्वल टू ये होता है डी अपॉन टू। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है बच्चों वो व्यास की आधी होती। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। देखो अब यहां पर देखो, मान लो कि आपको दे दिया गया, सर आपको दे दिया गया है कि व्यास 20 सेंटीमीटर दे दिया गया, किसी वृत्त की आपको व्यास दे दिया गया 20 सेंटीमीटर है, और आपको पूछ लिया गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, त्रिज्या निकालना मतलब कि व्यास को 2 से भाग दे दो, आधा कर दो, मतलब कि 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग देंगे इसको, तो सर मुझे मिल चुका है त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। एक नंबर के लिए बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कर लिया जाता है, कुछ भी दम नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन पूछता। मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं, यहां पर देखना आगे मैं पूरा सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को कराने वाला हूं, और जो कि पूछा भी गया था, ठीक है। तो अगर आपको व्यास दे दिया जाए और त्रिज्या पूछ लिया जाए, तो कैसे करोगे आप, व्यास का आधा कर दोगे, व्यास को क्या करोगे 2 से भाग दे दोगे। बिल्कुल सर हमने त्रिज्या निकालना अच्छे से सीख लिया, बिल्कुल ठीक है। चलो आ जाओ, अब समझते हैं वृत्त की जीवा क्या होती। चलो तो वृत्त की जीवा के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त की जीवा कहते हैं। चलो
अब मैं आपको यहां पर चित्र से इसको एक्सप्लेन करते देखो, यहां पर क्या बोला गया था कि वृत्त के परिधि पर चलो, इस वृत्त की परिधि पर मैंने दो बिंदु लिए हुए हैं, ये ए लिया और दूसरा बिंदु चलो मैंने यहां पर लिया बी, ठीक है। अब मैं बिंदु ए और बी को मिलाने जाने वाला हूं, तो मैंने बिंदु ए और बी को मिला दिया, ठीक है, मैंने बिंदु ए और बी को मिला दिया। तो वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेते हैं और उन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को, उस रेखाखंड को बच्चों हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। बिल्कुल, ये नाम हमें याद रखना पड़ेगा कि वृत्त के परिधि पर हम दो बिंदु लेते हैं और दोनों बिंदु को जो रेखाखंड मिलाते हैं उस रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। बिल्कुल सर, हमने जीवा को भी समझ लिया, ठीक है, चलो आ जाओ। फिर दिया गया वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास के बारे में हमने त्रिज्या पर भी चर्चा किया हुआ था लेकिन इसको हमने समझा नहीं था। अब यहां पर समझते हैं कि सर ये वृत्त का व्यास क्या होता है। देखो आ जाओ, ऐसे जीवा, मतलब कि यहां तो एक बात क्लियर सर कि व्यास जो होती है वो जीवा से निकल कर आती है, ठीक है। तो जीवा और व्यास में कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनने वाला है। तो यहां पर बोला गया कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त की व्यास कहलाती है। क्या बोला गया? ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यह था हमारा वृत्त का केंद्र। अब हमें एक ऐसी जीवा लेना है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो बच्चों देखो, मैंने यहां पर एक बिंदु लिया, चलो पी लिया, और यहां पर एक बिंदु लिया क्यों लिया, देखो पी और क्यों लिया। अब मैं पी और क्यों को मिलाने जा रहा हूं, पी और क्यों को मैं मिलाने जा रहा हूं जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। कहां से बच्चों? वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो इसी को, इसी जीवा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के व्यास से होकर जाती है ये कहलाती है बच्चों, क्या? व्यास कहलाती है। और यहां पर देखो, यहां पर वृत्त का जो व्यास मैंने लिया हुआ है वो इस वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया था कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है इसे क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का बच्चों हम व्यास कहते हैं। बिल्कुल सर, हमने इसको भी समझ लिया, ठीक है। तो यहां पर जो जो सात पॉइंट दिए थे, सातों पॉइंट को मैंने यहां पर चित्र के माध्यम से आपको खूबसूरत अंदाज में सिखा दिया। बिल्कुल, आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जैसे चाहे आप उसको ऐसा कर सकते हो। चलो ठीक है, हमने सातों पॉइंट को समझ लिया। अब चलते हैं आगे कुछ और नई बातें जानने के लिए। देखो अब नई बातें यहां पर क्या दी गई है, देखो आ जाओ। बिल्कुल, अब दिया गया सर कि वृत्त की छेदक रेखा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि वृत्त की छेदक रेखा। देखो अब वृत्त की छेदक रेखा क्या है, पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आ जाओ, जब कोई रेखा, रेखाखंड नहीं है ये, रेखा होगा ना, थोड़ा सा इसमें सुधारने की जरूरत है। जब कोई रेखा एक वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। बिल्कुल बच्चों देखो, मैं यहां पर आपको आप चित्र से एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया। मान लेते हैं कि यह निश्चित बिंदु है जिससे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है, केंद्र बोलते हैं। देखो अब जो रेखा है, मैं एक रेखा लेने वाला हूं, मैं एक रेखा ले रहा हूं जो इस वृत्त को, इस वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है और दूसरा बिंदु यहां बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या है बच्चों? ये रेखा है। चलो इस रेखा को हमने नाम दे दिया एल। क्या नाम दे दिया बच्चों? एल नाम दे दिया। तो जो रेखा आपको एल दिख रही है ना, ये हमारा इस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती। क्यों? क्योंकि छेदक रेखा के बारे में यहां पर बोला गया था। क्या बोला गया था? जब कोई रेखा एक वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब यहां पर आपको एक रेखा दिख रही है एल, जो कि इस वृत्त को बिंदु ए और ये बिंदु बी दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो रेखा एल है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? छेदक रेखा हो जाएगा। बिल्कुल सर, हमने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, बढ़ते कुछ और नई बातें जानने के लिए। और यह रहा कुछ नई बातें, और देखो क्या बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वृत्त का स्पर्श रेखा। सर ये अभी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? चलो अब इसको मैं आपको पहले डेफिनेशन पढ़कर बताता हूं। देखो, एक समतली सीधी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु, एक ही बिंदु पर छूती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त की स्पर्श रेखा, दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्त की छेदक रेखा में क्या होती है? एक जो रेखा होती है वो वृत्त को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जबकि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, मतलब की ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु को टच करती है, छूती है, वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। बिल्कुल आ जाओ, टेंजेंट जिसे बोलते हैं हम,
इंग्लिश में, ठीक है। ये है हमारा वृत्त। देखो मैंने यहां पर चलो एक यहां पर क्या बनाया, एक रेखा बना दी। चलो जी देखो, चलो ऐसे कर लेता हूं, क्या लग लूंगा, हाँ ये ठीक है। चलो इस रेखा को मैंने नाम दे दिया सर, एल नाम दे दिया। अब ये जो रेखा है, मान लेते हैं कि इस वृत्त के एक बिंदु मात्र एम को स्पर्श कर जा रही है, टच करते हुए जा रही है, तो रेखा एल क्या हो जाएगी बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसी के संबंधित हम आगे क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। तो वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। छेदक रेखा में एक जो रेखा होती है वो वृत्त के भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, जबकि स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के केवल एक ही बिंदु को छूती है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। बिल्कुल सर ने वृत्त की स्पर्श रेखा को भी समझ लिया। चलो अब आगे की कहानी में क्या दिया गया, तो आगे की कहानी में अब बताया गया चक्री चतुर्भुज के बारे में। यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। आ जाओ देख लो, तो यहां पर क्या बोला गया, चक्री चतुर्भुज के बारे में बताया गया। चक्री चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों शीर्ष, भाई चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है तो चार ही शीर्ष बनेंगे ना, चतुर्भुज में चार शीर्ष बनते हैं, ठीक है। तो चारों जो शीर्ष होते हैं वो किसी वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं बच्चों, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज का सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो किसी वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं चक्री चतुर्भुज। चलो इस लाइन को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको इसको अब चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। देखो ये है हमारा वृत्त, मैंने यहां पर बड़ा सा वृत्त ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर में बनाना है चार शीर्ष बनाना, मतलब कि चतुर्भुज बनाना है। देखो तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर एक बिंदु लिया, यहां पर एक बिंदु लिया, यहां पर मैंने एक बिंदु लिया और यहां पर मैंने एक बिंदु लिया। चलो इन चारों बिंदुओं को मैंने नाम दे दिया सर, ए बी सी डी नाम दे दिया, ठीक है। अब हम यहां पर बनाने वाले हैं चतुर्भुज। देखो मैंने ए को बी से मिला दिया, बिल्कुल सर मिला दो, ए को मैंने बी से मिलाया, फिर मैंने क्या किया, ए को सी से मिला दिया। बिल्कुल देख लो, ए को मैं सी से मिलाने जा रहा, बिल्कुल सर मिला दो, ए को सी से मिला दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सी को डी से मिला रहा हूं, बिल्कुल सर हमने मिला दिया। फिर मैं क्या करने जा रहा हूं, देख लो, अब मैं बी को डी से मिला दिया, बिल्कुल। अब यहां पर देखो ये चक्री चतुर्भुज होने वाला कैसे, देखो तो चक्री चतुर्भुज में क्या कहा गया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं, चारों जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। अब यहां पर देखो ए बी सी डी, आपको एक चक्री चतुर्भुज दिख रहा है, ए बी सी डी क्या बच्चों, एक चतुर्भुज, चार शीर्ष दिख रहे, चार भुजाएं होती सर, बिल्कुल। अब इसमें देखो चार जो शीर्ष है ना, ये जो शीर्ष ए है, ये जो शीर्ष बी है, ये जो शीर्ष सी है और ये जो शीर्ष डी है, चारों जो शीर्ष है वो वृत्त के परिधि पर स्थित है। कहां पर बच्चों, वृत्त के परिधि पर स्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल हमने चित्र के माध्यम से भी उसको समझ लिया। अब देखो एक लाइन यहां पर और दिया गया है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है बच्चों, कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस क्वेश्चन को एक बार पूछ लिया गया था कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। टोटल तो चतुर्भुज में 360 अंश का कोण बनता है, लेकिन आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। बिल्कुल सर हमने चक्री चतुर्भुज को भी समझ लिया। तो अभी तक मैंने आपको कुछ कुछ बेसिक जानकारी दे दिया कि जो कि पूरा का पूरा आपके वृत्त से संबंधित है। अब उसी से संबंधित मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, एक नंबर वाले प्रश्नों पर बात करना चाहेंगे। तो अब हम जो बनना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देख लो, अगर मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दिया हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बिल्कुल यहां पर मैं आपको 17-18 प्रश्न कराने वाला हूं, सभी प्रश्न आपके सही में होने वाले, एकदम सही से बनने वाले, बिल्कुल अगर आपने ध्यान से इसको सुना होगा तो। आ जाओ देखो, हाँ चलो आ जाओ, चलो अब इस प्रश्न में क्या बोला गया, कुछ भी दम नहीं है। क्या बोला गया है, वृत्त को कोई जीवा कितने बिंदुओं पर काटती है। भैया अभी तो मैंने आपको बताया था ना, जीवा बनाकर बताया था। देखो ये हमारा वृत्त, अब ये था हमारा वृत्त का केंद्र था। अब वृत्त की जीवा क्या होती है कि हम वृत्त की परिधि पर सर दो बिंदु लेते हैं और दोनों बिंदुओं को जिस रेखाखंड से मिलाते हैं इस रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, जीवा कहते हैं। तो जीवा जो है वो कितने बिंदुओं पर काटती है, ये बिंदु ए हुआ और ये बिंदु बी हुआ, तो दो ही बिंदु पर काट रही ना, तो वृत्त की जीवा जो होती है वो वृत्त को दो बिंदु
बिंदु पर काटते हैं, मात्र दो ही बिंदु पर काटते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका है? ऑप्शन नंबर ब, टिक करो आगे लिख लो, एक सेकंड लगेगा, मात्र एक सेकंड लगेगा, ठीक है, टिक करो आगे लिख लो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया गया है दूसरा नंबर का, तो वृत्त का जो अंश माप होता है, वृत्त का जो अंश माप होता है बच्चों, वो 360 अंश होता है, कितना सर? 360 अंश होता है, टिक करो आगे निकलो, टिक करो आगे निकलो, आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन। अभी तो मैं उसको कराया था चक्री चतुर्भुज के बारे में पूछ लिया गया, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, ये आपके लेवल का ही क्वेश्चन नहीं, इतना इजी क्वेश्चन कब से, छठवीं का सवाल पूछ लिया गया भाई बच्चों वाला खेला, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, किस कौन से बच्चों को पता नहीं है कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोण, मतलब कि सम्मुख कोणों का योग, बिल्कुल सर ये 180 अंश होता है, टिक करो आगे निकलो, ऑप्शन नंबर सा 180 अंश, टिक करो आगे निकलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखो आ जाओ बिल्कुल देख लो, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मात्र एक ही स्पर्श, भाई मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, सर ये वृत्त हुआ और ये वृत्त का केंद्र हुआ, अब वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, तो ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, केवल एक ही बिंदु को स्पर्श कर रही है, मान लेते हैं कि एम को स्पर्श कर रही है, तो आप बता सकते हो कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों, तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर अ आपका सही हो जाएगा, टिक करो आगे निकलो, टिक करो आगे निकलो, आजा। अब देखो यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था तो बोला गया था दोनों में अंतर समझना, यहां पर बोलता है कि वृत्त पर स्थित यानी कि वृत्त के परिधि पर स्थित कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक ही। अब यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया और क्या बोल दिया गया कि वृत्त के बाहर, अब जो बिंदु लेंगे ना, यहां पर मैंने बिंदु लिया था एम, अब जो बिंदु लेने वाले हैं वो वृत्त के बाहर पर स्थित होंगे, ठीक है, तो वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ जाओ। चलो मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं, देखो ये है हमारा वृत्त, क्या बच्चों? वृत्त है, और ये है हमारा वृत्त का केंद्र है। चलो मैंने वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया हुआ है जिसका नाम दिया मैंने P, क्या नाम दिया बच्चों? P नाम दिया, ठीक है, अब इस बिंदु से, इस बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ध्यान रखना मैं यहां पर एक स्पर्श रेखा इस तरफ में बनाया और एक स्पर्श रेखा मैंने इस तरफ बनाया, देखो देखो चलो यहां पर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है, और क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अगर बच्चों मैं यहां पर ऐसे कर दूंगा तो ये इस बिंदु से होकर तो जा ही नहीं रही है, बिल्कुल, तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों? केवल और केवल दो ही वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 स्टार लगा के रखना है कि सर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती, देख लो हमने यहां पर रेखा खींच दी है, ये देखो। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहां पर दिया गया है निम्नलिखित की हमें सत्य या फिर असत्य बताना, अब आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, आप कैसे करोगे? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले हमें ऑप्शन को करना इग्नोर, ऑप्शन दिया ही नहीं है ये हमें मानकर चलना है, अब यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ा देंगे, देख लो बिल्कुल उड़ा देंगे, आ जाओ कुछ भी दम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया गया? वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा त्रिज्या होती, भैया ये कहां से कहानी आ गई, ये कहानी गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है भैया, यहां पर देखो आ जा चित्र वाले की जरूरत नहीं, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, ये है हमारा वृत्त और ये है हमारा केंद्र, ठीक है, अब यहां पर बोला गया कि वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो त्रिज्या होती है, बिल्कुल कहानी गलत है बच्चों, यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक जीवा ले रहा हूं जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा जाती है वही सबसे बड़ी होती है, और वृत्त के केंद्र से जो जीवा होकर जाती है इसे हम बोलते हैं बच्चों व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, तो वृत्त सबसे बड़ी जो जीवा त्रिज्या होती, त्रिज्या नहीं व्यास, अगर व्यास दिया जाता तो यहां पर आपका कथन सत्य हो जाता, अभी त्रिज्या बोला गया तो ये पूर्णतः असत्य है, बिल्कुल, तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको दो प्रश्न समझा दिया, त्रिज्या की जगह यहां पर व्यास दे दे तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ये कथन सत्य हो जाएगा, अभी चूंकि यहां पर क्या दिया गया, त्रिज्या दिया गया है, तो वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो त्रिज्या होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल असत्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लो, आ जाओ,
किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, बिल्कुल कहानी गलत है। अब भी तो मैंने इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था ना कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहां पर बच्चों ये कथन पूर्णतः क्या है, असत्य है। क्या है? यह कथन पूर्णतः असत्य है। इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर यह बोल देता कि किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर चार नहीं दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो यह आपका कथन क्या हो जाता, पूर्णतः सत्य हो जाता है। तो एक प्रश्न मान करने चलना है, इसको दो प्रश्न मानकर चलना है, चार दे, तीन दे, एक दे, तो वो कथन पूरा असत्य हो जाएगा। अगर दो दे तो आपका कथन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। क्या बोला गया है? जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते। बिल्कुल सर, यहां का कहानी अच्छे से क्लियर है, अभी भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं ना। देखो चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। यह है हमारा वृत्त और यह है हमारा वृत्त का केंद्र। तो जीवा क्या होती है? तो हम वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेते हैं। चलो मैंने ए और बी दो बिंदु लिए हैं और दोनों को जो मिलाने वाली रेखाखंड होती है इसी को तो हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं ना। तो यहां पर पूछा गया था कि जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल यह सत्य कथन होने वाला है। तो आपका कथन सत्य हो जाएगा। पूछा गया है, देख लो पूछा गया है 2018 सेट बी में पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन आता है। आ जाओ प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में क्या बोल रहा है? तो प्रश्न क्रमांक 9 में क्या बोल रहा है कि वृत्त की जो छेदक रेखा वृत्त को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहां से कहानी आ चुकी भैया, कहानी कहां से आ चुकी? आ जाओ समझो इसको। ये है वृत्त और ये है वृत्त का केंद्र, ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहां पर हम रेखा लेते हैं, जो एक रेखा लेते हैं जो वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पर ए हुआ और यहां पर ये बी हुआ। अब भी तो मैंने आपको छेदक रेखा के बारे में पढ़ाकर आया हूं ना कि ऐसी जो रेखा होती है वो वृत्त के अलग अलग बिंदुओं यानी कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तीन बोला गया, बिल्कुल कथन असत्य है, कथन असत्य है। इसी क्वेश्चन को अगर बदल देता, तीन की जगह दो दे देता तो आपका जो कथन है वो पूर्णतः सत्य हो जाता। तो एक प्रश्न मानकर नहीं चलना है आपको, उसको दो प्रश्न मानकर चलना है। कैसे ये सत्य होगा और कैसे असत्य होगा, इन सारी चीजों पर मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। आ जाओ प्रश्न क्रमांक 10। अब देखो प्रश्न क्रमांक जो 10 है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यह क्या कहता है कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण 90 अंश का होता है। बच्चों याद रखना 90 अंश का होता है कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण 90 अंश का होता है। बिल्कुल यह क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है, 2017 और 2019 में पूछ चुका है। बिल्कुल टिक करो, आगे निकलो, इतना फायदे का सौदा मंद होने वाला है। 90 लिखो और आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगाकर रखना इसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देख लो क्या क्वेश्चन पूछता है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आपके लेवल का नहीं है। अरे ढंग का तो क्वेश्चन करो, ढंग का क्वेश्चन करो, इतना इजी क्वेश्चन कौन करता है। देखो क्या बोला गया है कि वृत्त का व्यास जो होता है वो दो गुना वृत्त की त्रिज्या, दो गुना। भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि व्यास जो होती है वो वृत्त का दो गुना होती है। क्या होती है बच्चों? दो गुना होती है। तो वृत्त का व्यास बराबर दो गुना वृत्त की त्रिज्या पूछा गया था 2017 सेट सी में पूछा गया था। इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ बोनस नंबर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रश्न क्रमांक 12 में, किसी वृत्त का जो व्यास उसकी त्रिज्या की दो गुनी होती है। अब भी तो इसी क्वेश्चन को कराया था, घुमा फिरा कर उसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास दोनों से संबंधित बिल्कुल आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछने वाला है। तो जितने भी मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, वृत्त की परिधि से, वृत्त की त्रिज्या से, वृत्त के व्यास से, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाना है। दो दो बार पूछा गया, दो दो बार देख लो, 18 पूछ लिया गया है, फिर मन नहीं भरा तो एक बार 20 में भी पूछ लिया गया। देखो दो दो बार पूछा गया कि वृत्त का जो व्यास होती है वो त्रिज्या की दो गुनी होती है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या पूछ लिया गया, एक वृत्त की त्रिज्या सर 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका व्यास होगा। मैं कई बार चिक का बता चुका, थक चुका हूं कि त्रिज्या अगर दे और व्यास निकालना होगा तो हमें पता है कि जो व्यास होती है वो त्रिज्या की दो गुनी होती है। तो त्रिज्या को क्या कर दो, डबल कर दो, वही आपका व्यास का मान हो जाएगा। त्रिज्या दिया गया 10 सेंटीमीटर, इसका डबल कर दो तो सर ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हो चुका बच्चों, 20 सेंटीमीटर हो चुका। बिल्कुल सर कहानी कंप्लीट है, पूछा गया 2018 सेट बी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो अब ये रहा प्रश्न क्रमांक 14। देखो प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है,
उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ये वृत्त का व्यास की परिभाषा यहाँ पर दे दी गई है। मैंने आपको पहले से बता दिया था कि वृत्त की व्यास क्या होती है, कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ये क्या कहलाता है बच्चों, आपका वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास, व्यास ठीक है, आ जाओ, वृत्त का व्यास कहलाता, बिल्कुल व्यास छापो यहां पर और आगे लिख लो, व्यास छापो और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। देखो प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोला गया, दो दो बार पूछा गया, दो दो बार 20 में पूछ लिया गया, मन बना तो 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछे जाने के चांसेस बनते हैं इसका, आ जाओ कुछ भी दम नहीं है। चलो देखो, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये सर व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही आपको बताया दिया था जब मैं आपको वृत्त के व्यास के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को बच्चों क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी कंप्लीट हो चुकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्रश्न क्रमांक 16 देख लो क्या पूछ लिया गया। देखो, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उसकी उसकी त्रिज्या या फिर व्यास को बराबर कर देंगे, त्रिज्या या फिर व्यास को बराबर कर देंगे तो दोनों जो वृत्त होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांगसम हो जाएंगे। 2020 में पूछा गया था, इस साल पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये हमारा अगला क्वेश्चन, आ जाओ कुछ भी दम नहीं है इसमें भी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ जाओ अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो सर, ये हमारा वृत्त का, ये वृत्त है और ये है हमारा वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब हम ऐसी जीवा लेते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है जिसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, व्यास कहते हैं। ठीक है, हमने व्यास को समझ लिया। फिर क्या बोला था कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र, चलो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। चलो मैं यहां पर एक जीवा ले रहा हूं ए बी, मैंने यहां पर एक जीवा लिया ए और बी, दो बिंदु लिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं वृत्त की जीवा कहते हैं। बिल्कुल सबने जीवा को समझ लिया। इस प्रश्न में क्या बोला गया था कि वृत्त के केंद्र से, ये है वृत्त का केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब मैं यहां पर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल रहा हूं, कुछ इस प्रकार से मैं लंब डाल रहा हूं। देख लो, ये मैंने लंब डाला, तो वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर हम लंब डालते हैं तो जीवा जो है वो दो बराबर भागों में बट जाते हैं। कैसे बच्चों, दो बराबर भागों में बट जाते हैं। तो लंब डालने पर जीवा को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसी के संबंधित मैं आपको आगे प्रश्न भी कराने वाला हूं, चार नंबर वाले प्रश्न भी मैं इसी के अकॉर्डिंग कराने वाला हूं, इसी से संबंधित कराने वाला हूं कि जब हम वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डालते हैं तो उस जीवा को क्या करते हैं बच्चों, दो बराबर भागों में, दो समान भागों में समद्विभाजित करते। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देख लो क्या पूछ लिया गया। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो अब इसको समझाते हैं, आ जाओ देखो चित्र, रेखाएं परस्पर होती, देखो ये सर वृत्त और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो ऐसे जीवा लेते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो ये हमारा कहलाता है क्या बच्चों, व्यास कहलाता है। बिल्कुल, अब देखो यहां पर यह बिंदु ए है और यहां पर यह बिंदु बी है। ठीक है सर, बी और ए दो बिंदु हो चुके। अब देखो क्या बोला गया था, आ जाओ, तो यहां पर क्या बोला गया था, देखो इस लाइन को समझना। वृत्त के व्यास के सिरों, तो ये व्यास के दो सिरे होगा ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के बारे में हमें अच्छे से मालूम है कि सर ऐसी जो रेखा होती है वो वृत्त के किसी एक ही बिंदु को स्पर्श करते जाती है। देखो एक ही बिंदु को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए जा रही है। देख लो ये बिंदु जो है, ये बिंदु ए को स्पर्श करते जा रही है और यहां पर देखो थोड़ा सा टेढ़ा बन चुका है, इसको सीधे बनाने की कोशिश करते हैं। देख लो ये देखो सीधी लाइन बनाना। देखो यहां पर ये रेखा, चलो इसको मैंने नाम दिया एल और ये रेखा हमारा सर ये हो चुका एम। देखो तो हमसे पूछा क्या गया था, वृत्त के व्यास, ये हमारा व्यास ठीक है,
के सिरों पर, ये सिरा ए हुआ और ये सिरा बी हुआ, पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है? तो देख लो, रेखा एल और ये जो रेखा एम है ना, वो दोनों समांतर प्राप्त होते हैं। भाई ये जो हमें पता है कि वृत्त की जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो सीधी रेखा बनती है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये सीधा बनता है। आप जब बनाओगे एकदम सीधी रेखा बनाने वाले हो, ठीक है? तो ये जो दोनों रेखाएं होती है ना, वो क्या होती है बच्चों? परस्पर समांतर होती है। क्या होते हैं? परस्पर समांतर होते, बिल्कुल समांतर होते हैं। इसको हम आगे पीछे किसी भी साइड से, किसी भी साइड से कितना भी लंबाई तक बढ़ाएंगे, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है, स्पर्श नहीं करने वाली है, समांतर रेखा हमें प्राप्त होती है। बिल्कुल सर, हमने यहां पर प्रश्न क्रमांक 18 को भी समझ लिया। बिल्कुल सर, जहां तक की कहानी में समझ में आ चुकी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, या खत्म हो गया, देख लो खत्म। मात्र मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 18 करा दिया, मात्र नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मैंने 18 टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको वृत्त से संबंधित आपको बेसिक जानकारी भी दे दिया है, जो कि पूरे 18 के 18 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको 18 प्रश्न करा दिए हैं फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में मैं आपको इसी का जो पार्ट 2 आएगा ना, वहां पर 3 क्वेश्चन कराने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि 4 नंबर या फिर 5 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अब मैं मिलूंगा इसके पार्ट नंबर 2 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।